अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा हट स्टाइल चीज़ लवर्स पिज़्ज़ा। अगर आप मेरी इस रेसिपी को सही से फॉलो करेंगे तो आपको 100% पिज़्ज़ा हट जैसा ही टेस्ट मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का डो तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। अब इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून खमीर और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून चीनी। चीनी और खमीर की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। 1/2 टीस्पून या हसबे जायका इसमें जाएगा नमक। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स कर देने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको हाथ से गूंद दूँगी। यहाँ पे मैं हाथ से गूंद कर नरम डो बना लूँगी। डो को यहाँ पे मैंने गूंद लिया है और अब 1 टेबल स्पून ऑयल में इस पर अप्लाई करके इसको रख दूँगी 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। एक घंटे के बाद डो बन के तैयार है और अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा गूंद रही हूँ ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। डो मैंने साइड में रख दिया है और अब मैं पिज़्ज़ा पैन ग्रीस कर रही हूँ। ऑयल इसमें आपने बहुत ही थोड़ा यूज़ करना है, वरना जब हम इसको बेक करते हैं तो इसका कलर नीचे से बहुत ही डार्क हो जाता है जल्दी। ऑयल अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे मैं डो को अच्छे से फैला दूँगी पूरे पैन में। डो फैला देने के बाद अब यहाँ पे मैं कॉर्नर्स को फोल्ड कर रही हूँ और ये ट्रिक आप देख लें कि कैसे कॉर्नर्स को फोल्ड करना है। डो को पैन की एजेस तक पूरा ऊपर लेके जाना है और उसके बाद आप इसको फोल्ड कर दें। कॉर्नर्स फोल्ड कर देने के बाद यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस, और ये मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस ली हुई है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फैला दूँगी। अब इसमें जाएगी चीज़। मैंने एडम्स की पिज़्ज़ा चीज़ ली थी। चीज़ की क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, आप जितना इसमें चाहें डाल सकते हैं। एडम्स की पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है। अगर फिर भी आपके पास ना हो, ना मिल सके, तो आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना के ऐड कर सकते हैं। चीज़ डाल देने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको बेक कर रही हूँ। देखिए को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए, और अब मैं इसको बेक करूँगी 15 से 20 मिनट। ज़्यादा देर आपने इसको बेक नहीं करना। 15 से 20 मिनट बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बेक हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा कितना सॉफ़्ट बना है, और अगर आप देखना चाहते हैं कि पिज़्ज़ा कितना सॉफ़्ट है तो आप उसको चेक करें, जब हम स्लाइस ऊपर उठाएंगे तो वो डाउनवर्ड जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बैक साइड भी दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल भी जला नहीं है, ना इसका कलर ज़्यादा डार्क हुआ है, और बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।